हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी अपने पास है एक सैमसंग का S10 प्लस का मोबाइल। तो इसके अंदर जो है फ़ोन डेड कंडीशन में है, काफ़ी सारा वाटर डैमेज के अंदर है। देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट रहता, क्या चीज़ निकलता। तो पहले तो अभी नॉर्मली चार्जर कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। तो कुछ भी टाइप ऑफ एम्पियर तो लिफ्ट नहीं कर रहा चार्जर के अंदर। और जो नॉर्मली यहाँ पावर की को प्रेस करके बताता हूँ तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। और डीसी के अंदर लगाएंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ यहाँ जो है डीसी को कनेक्ट करेंगे, ऐसा नॉर्मली पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो जैसा आप जैसा मैं यहाँ लगा दिया, कोई भी टाइप ऑफ ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। हल्का सा पावर की को प्रेस करेंगे तो ये बूटिंग जो है, जैसा पावर की को प्रेस करें 0.13 का लो बूटिंग में है फ़ोन। तो चेक करेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट निकलता है। तो पहले तो सारा इसका क्लिप्स हटा देंगे और बोर्ड को बाहर ले लेंगे। पहले बोर्ड का कंडीशन देखेंगे कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा कंपोनेंट्स का कलर जो है चेंज हुआ सो दिख रहा है। तो वाटर डैमेज के अंदर आया सा मोबाइल ये। तो काफ़ी टेक्नीशियन ने चेक करे, यहाँ एक कैप भी नहीं दिख रहा है। अभी इधर साइड देखेंगे तो ओके, इधर भी और बैक साइड चेक कर लेंगे। तो पावर गिवर सारा चीज़ जो है ऐसी भी रिवॉल्व करा हुआ दिख रहा है। गियर फेस सारा चीज़ जो है रिवॉल्व करा हुआ दिख रहा है ये। कभी टेक्नीशियन ने ट्राई कर लिएंगे तो देखेंगे इसके अंदर। पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका चार्जिंग आईसी S2MU 106 101 का चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। यहाँ अपने को 8150C एक पावर लगा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ देखेंगे तो 8150 का एसी लगा हुआ है। तो लेटेस्ट मॉडल का बोर्ड है, इसका कोई डायग्राम तो अवेलेबल नहीं रहता अपने को। यहाँ भी एक कैप हटा हुआ है, ये कौन सा एसी है। यहाँ भी देखेंगे, छोटा वाला कैमरा के लिए दिया होगा। तो यह सारा कैप सब चीज़ चेक कर लेंगे इसके अंदर क्या इशू है। पहले तो चेक कर लेंगे नॉर्मली मीटर से। तो पहले तो बैटरी कनेक्टर के अंदर जो है, यहाँ बैटरी कनेक्टर के अंदर देखेंगे 449 का रीडिंग है। और इसको रिवर्स करके देखेंगे 1400 तक आ रहा है। तो ये चीज़ तो अपने को ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीबैट की लाइन में, इसलिए कोई लीकेज तो नहीं ले रहा है। जैसा यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ जो VPH कॉइल कनेक्टेड है, यहाँ देखेंगे 313 का रीडिंग आ रहा है। इसको और रिवर्स बायस में भी देखेंगे, इस फॉर्मल में भी देखेंगे तो यहाँ भी 1350 तक ले रहा है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लाइन अपने को ओके है। तो सारा कुछ जो है यहाँ भी देखेंगे, सारा कैप्स गेप्स कलर चेंज हुआ दिख रहा है। ये तो ग्राफिक सेक्शन है इसके अंदर। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका जो है सारा कैप बारीक बारीक से चेक कर लेंगे। तो 313 तो जैसा लो बूटिंग बताया, लो बूटिंग के अंदर अपने को जो पावर की आउटपुट के लाइन के अंदर या नहीं तो जो सीपीयू की लाइन के अंदर अपने को शॉर्टिंग रहने से ये लो बूटिंग का बनता है। यहाँ देखेंगे सारा बक कॉइल के अंदर 409 या 79 कुछ रीडिंग बता रहा है, या 98 ये हो सकता है। अपना कोर की लाइन 0.80 की लाइन्स हो सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ अपने को लो रीडिंग के अंदर शो कर रहा है, ये हो सकता है। यहाँ देखेंगे 330 या जो है अपने को ये बक के अंदर तो अपने को
10 बता रहा है, जो बीप के साथ 10 का रीडिंग बता रहा है, इसको एक बार रिवर्स करके भी चेक कर लेंगे। यहाँ तो सेम रीडिंग बता रहा है, मतलब ये वाला लाइन कुछ शॉर्टिंग के लीकेज के अंदर है। और यहाँ भी देखेंगे ये दो लाइन आपस में कनेक्टेड होगा, इसलिए जो है दोनों के ऊपर अपने को रीडिंग सेम बता रहा है। तो इसके बाद यहाँ चेक करेंगे ये वाला जो है 443, हो सकता है हाई एलडी हो, ताकि जो है रीडिंग हाई बता रहा है इसके अंदर। यहाँ भी देखेंगे तो इसके अंदर भी एक बार फॉरवर्ड का रीडिंग ले लेंगे, ये भी 1500 आ रहा है। यहाँ भी ले लेंगे एक बार, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी 85 का रीडिंग आ रहा है। ठीक है, ये लाइन भी ओके है। यहाँ देखेंगे ये भी अपना, ये लाइंस भी अपने को, ये सारा लाइन जो है अपने को ओके है। सिर्फ एक ही लाइन, ये वाला लाइन जो है शॉर्टिंग के अंदर है, इसलिए जो है अपने को लो बूटिंग के अंदर बता रहा। तो सेकेंडरी पावर जो लगा हुआ है इसका भी देखेंगे 280, 288, 287, 77, 74, 207 और 300। और यहाँ देखेंगे ये वाला बक के अंदर टोटली लाइन शॉर्ट है, 0.005 बता रहा है। तो इसको यहाँ भी देखेंगे ऊपर के तरफ, या तो 401 ओके है ये, यहाँ भी देखेंगे ओके। ये वाला कॉइल की लाइन जो है अपना शॉर्टिंग के अंदर है, 0.005 बता रहा है। ये वाला लाइन जो है अपने को सीपीयू के तरफ जाता है, इसको कॉइल को रिमूव करके भी अपन चेक कर ले सकते। और इधर साइड के सारा कैप चेक कर लेंगे, तो जितने भी ये कॉइल के साथ कनेक्टेड हुए कैप जो है वो भी अपने को शॉर्टिंग में दिखेगा। तो चेक कर लेंगे, यहाँ जो है 300 रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 0.005 आ रहा है, यहाँ भी अपने को 0.005 हो रहा है। मतलब ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है ये कॉइल्स। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, ये भी लाइन शॉर्ट बता रहा है। तो बाकी सब पे चेक करेंगे और कुछ मिलता क्या अपने को। तो यहाँ तो अपने को ये वाला एक कॉइल जो है फुल शॉट के अंदर मेरा अपने को 0.005, और यहाँ जो है अपने को यहाँ भी एक शॉटिंग के टाइप में मिला अपने को। ठीक है, अभी ये चेक करेंगे, यहाँ कुछ चार्जिंग के केबल कनेक्ट करके कुछ वोल्टेजेस बना रहा क्या फ़ोन, या पावर के आउटपुट कुछ वोल्टेजेस बनते या नहीं बनते, क्या चीज़ें चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ चार्जर तो अपन कनेक्ट कर दिए, तो वोल्टेज मोड के अंदर डालेंगे। जैसा वोल्टेज मोड के अंदर डालेंगे तो वीबैट पे चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ 1.24 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अब ये चेक करेंगे बोर्ड को, थोड़ा मैं बैक कर लेता हूँ। तो यह जो है अपने को जहाँ VPH कॉइल कनेक्टेड है, VPH कॉइल पे अपने को 4 वोल्ट मिलना है। इधर चेक करेंगे 4.37 वोल्टेज तो यहाँ मिल रहा है अपने को। तो जैसा यहाँ VPH पे मिल रहा है, और यहाँ देखेंगे इधर साइड, और इसका बूट कैप जो कनेक्टेड रहता है इधर, इसके बगल में ही मिलना चाहिए अपने को, तो ये तो नहीं होता इधर। और ये वाला बीच में एक कैप कनेक्टेड है, इसके ऊपर देखेंगे, और तो यहाँ देखेंगे इसके ऊपर, तो ये वाला छोटा कैप है 4.0, और यहाँ 4 वोल्ट और 1.8 वोल्ट बनाने का कैप मिलता क्या। ठीक है, तो इसके अंदर यूज़ नहीं करा होगा। 5 वोल्ट तो इनपुट यहाँ हो रहा है, 5.20 यहाँ अपने को VPH भी बना रहा है। और देखेंगे आगे जाके सारा कॉइल्स के पास पावर को इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे अपने को यहाँ कुछ वोल्टेज मिल रहा क्या, यहाँ पावर के पास 4 वोल्ट 1.95 वोल्टेज मिल रहा है, ये हो सकता है आउटपुट की वोल्टेज। यहाँ देखेंगे 4 वोल्ट इनपुट मिल रहा है, यहाँ देखेंगे 4 वोल्ट इनपुट मिल रहा है, यहाँ भी देखेंगे 4 वोल्ट इनपुट मिल रहा है,
यहाँ भी 4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ भी अपने को 4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ भी देखेंगे 4 वोल्ट, यहाँ भी देखेंगे 4 वोल्ट। जो पावर को इनपुट मिलने का सारा वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो जो यहाँ जो कॉइल्स कनेक्टेड है, कॉइल्स के ऊपर चेक करेंगे 1.36 आउटपुट वोल्टेज है, ये भी इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं है। इसके बगल में देखेंगे, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है, इसमें भी देखेंगे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी देखेंगे 0.80 वोल्टेज बना रहा है, यहाँ भी 0.76 का वोल्टेज बना रहा है, यहाँ भी 0.83 का वोल्टेज बना रहा है, यहाँ भी देखेंगे 0.83 का वोल्टेज बना रहा है। मतलब ये वाला लाइन शॉर्टिंग नहीं है, ये वाला लाइन तो ओके है, कोई प्रॉब्लम 10 जो बताया था अपने को, ये वाला लाइन तो ओके है, इसके अंदर वोल्टेज भी बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लाइन के अंदर अपने को कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, इसका कोई डायग्राम नहीं है, इसलिए प्रॉपरली अपन इसके अंदर कितना वोल्टेज आना है प्रॉपरली नहीं बता सकते। तो यहाँ देखेंगे जो इसका पावर के पास, यहाँ तो कोई भी नहीं है वोल्टेज, यहाँ चेक करेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ चेक करेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ देखेंगे 0.80 का एक वोल्टेज बना रहा है, या 0.96 बना रहा है, या तो 1.95 बना रहा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। मतलब अपने को एक कॉमनली बनना चाहिए 2.2 का वोल्टेज, 1.8 का वोल्टेज या 1.95 का वोल्टेज मिल गया अपने को, 1.80 का मतलब ये हो गया लोअर LDO। अपने मिनिमम एक 2.2 का वोल्टेज मिलना है, मगर किधर भी नहीं मिला है। तो ये वाला कॉइल हो सकता क्या, ये वाला कॉइल को एक बार, ये वाला लाइन भी एक बार चेक करेंगे, और जो थोड़े बहुत वोल्टेज पावर तो वर्किंग है, वोल्टेजेस बना रहा है, यहाँ देखेंगे 0.85 बना रहा है, इसका 0.96 बना रहा है, मतलब अपना पावर तो वर्किंग है, पावर गुड है, पावर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट वोल्टेजेस रिलीज़ कर रहा है, मगर आउटपुट लाइन के अंदर कोई ना कोई शॉर्टिंग होगा, तो चेक करेंगे इसका। यहाँ सारा चीज़ चेक करेंगे, यहाँ भी चेक करेंगे अपन, तो यहाँ देखेंगे, इसको डायोड मोड में डालता हूँ मैं, तो CPU के अगल बगल में देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये कैप जो है, ये CPU के बगल में, ये शॉर्टिंग के अंदर है, ये भी कैप CPU के बगल में शॉर्ट है, ये भी कैप CPU के बगल में शॉर्टिंग के अंदर है। तो और यहाँ देखेंगे ये वाला कैप ओके, ये रैम की कनेक्टिविटी लाइन होगा, यहाँ देखेंगे ये वाला भी CPU को जाने वाला लाइन, यहाँ भी कुछ शॉर्टिंग के अंदर है, यहाँ भी देखेंगे शॉर्टिंग के अंदर है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी शॉर्टिंग है, और यहाँ भी शॉर्टिंग है, और यहाँ चेक करेंगे इसके बगल में, तो यहाँ भी एक कैप शॉर्ट बता रहा है। तो ये वाला इसी है WCD9314, तो एक कैप तो यहाँ शॉर्टिंग बता रहा है, जो ये वाला कैप अपने को एक बार हल्का सा रोजिन मार के यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से कुछ वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे, ये तो VPH तो नहीं होता, अगर VPH होता है तो अपने को यहाँ ही शॉर्टिंग बताना चाहिए, ये तो VPH की लाइन नहीं होता है, तो हो सकता है इसको आने वाला जो है VIO का वोल्टेज हो सकता है, जो ये भी लाइन जो है, ये सारा जो कैप शॉर्ट बता रहा, ये भी CPU को जाने वाले 1.8 की लाइन शॉर्टिंग हो सकता है। तो एक बार चेक करेंगे, हल्का सा यहाँ रोजिन मार लेंगे,
अभी जो है यहाँ सीपीयू के बगल में बहुत सारे लाइन जो है शॉर्टिंग के अंदर बता रहा है। तो एक जैसा इस बोर्ड के अंदर चेक करें तो लो बूटिंग के अंदर था मोबाइल, तो सेकेंडरी के अंदर अपने को कुछ शॉर्टिंग तो मिल गया है सीपीयू के अगल बगल में। तो इसलिए इस मदरबोर्ड का कोई डायग्राम अवेलेबल नहीं है ताकि जो है कितना वोल्टेज का लाइन है क्या है, इसलिए यहाँ जो मैं सिर्फ 1 वोल्ट सेट करा और 1 वोल्ट और यहाँ एम्पियर जो है अपने को 2 एम्पियर सेट करा। तो देखेंगे इससे हटता या नहीं। नॉर्मली यहाँ जो लाइन अपने को शॉर्ट था यहाँ से लेके 1 वोल्ट से अपन यहाँ इंजेक्ट करेंगे तो एम्पियर तो पूरा ले रहा है मगर कोई भी पार्ट जो है अपने को हीट नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, कोई भी सर्किट के अंदर किधर भी जल रहा नहीं। इधर साइड सारा देख लेंगे अपन तो कोई भी पार्ट जो है अपने को हीट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे इसके अंदर भी कहीं भी कोई पार्ट मेल्टिंग के अंदर तो नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ, तो यहाँ वोल्टेज को करेंगे 1.802 वोल्ट तक करेंगे ओके। और एम्पियर 1 एम्पियर मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ ओके, 2 वोल्ट और 3 एम्पियर दे रहा हूँ। तो इस लाइन के अंदर यहाँ यहाँ से मैं वोल्टेज यहाँ से इंजेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ देखेंगे हल्का सा, तो यहाँ हल्का सा तो एम्पियर लिया खाली झटका दिया तो हल्का सा मेरे को यहाँ एक कंपोनेंट जो है ये जला हुआ दिख रहा है ये। तो और एक बार मैं रोजिन मार के बताता हूँ आपको। यहाँ रोजिन और एक बार मारेंगे ठीक है, और थोड़ा मैं करीब से देना चाह रहा हूँ यहाँ ये वाला कैप के अंदर भी, यहाँ भी दे सकते हैं ये वाला कैप, ये वाला लाइन भी शॉर्टिंग के अंदर है होना है तो अपन यहाँ भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखे चेक करेंगे थोड़ा करीब में दिखता तो दो चीज़ आपको दिख जाते। तो एक बार मैं डायोड मोड के अंदर लगा के एक बार बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ और एक कैप भी अपने को शॉर्टिंग के अंदर है, ठीक है ये भी अपने को शॉर्टिंग के अंदर है। तो यहाँ से देता हूँ ताकि सामने वाला भी दिख जाता तुम लोगों को। यहाँ ब्लैक को अपन ग्राउंड कर लिए और ये मैं यहाँ इंजेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ भी दिख रहे होंगे सीढ़ी पे। तो यहाँ से मैं हल्का सा वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहा हूँ, ये तो नेगेटिव होगा इसलिए कोई यहाँ देखेंगे तो क्या आप यहाँ अपने को हल्का जल गया है। यहाँ मैं और एक बार इंजेक्ट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ। तो ये वाला कैप जो है अपना शॉर्टिंग वाला कैप है, इसको रिमूव करेंगे से इसको रिमूव कर दिए। जैसा इसको रिमूव करने के बाद अभी चेक करेंगे अपना जो तो यहाँ चेक करेंगे जैसा कैप को हटाए तो लाइन अपना ओके हुआ या नहीं हुआ वो देख लेंगे जो मीटर से। जैसा कैप को हटा दिए तो यहाँ का लाइन के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ का लाइन के अंदर चेक करेंगे, यहाँ GR 296 आ गया, यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी अपने को GR वैल्यू शो करने लगा, यहाँ भी शॉर्टिंग था, यहाँ भी अपने को ओके। तो ये सारा लाइन जो है यहाँ से अपन वोल्टेज पहले इंजेक्ट करे थे, इसका और इसका लाइन एक ही लाइन है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड होगा और यहाँ से लेके ये भी कनेक्टेड होगा अगर ये लाइन के अंदर है तो ही जला ठीक है। तो ये सारा लाइन एक ही लाइन है इसलिए जो है ये वाला कैप ये सारा कैप जो सीपीयू को जाने वाला और यहाँ से भी शॉर्टिंग बताया था अपने को, यहाँ भी अपने को ये वाला लाइन भी सेम लाइन है 297 का जितने भी रीडिंग बता रहा है ये सारा लाइन भी इससे कनेक्टेड होके ही रहते सेम लाइन से ये। तो ये वाला अपने को ओके हो गया, अभी लाइन तो ओके हो गया, अभी चेक करेंगे जो बूटिंग पहले का बूटिंग बता रहा था अपने को। तो जैसा इसको थोड़ा
सर्किट को क्लीन करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे और चार्जर को इन करके देखेंगे। ये कुछ एम्पियर लिया, अभी फ़ोन अपना ऑन हो गया, लोगो आ गया इसके अंदर। जैसा शॉर्टिंग इसके अंदर जो है सेकेंडरी के अंदर शॉर्टिंग था, अभी जो है चार्जिंग भी 14% बता रहा। अभी ऑन करके चेक करेंगे। सैमसंग S10 लाइट फ़ोन तो पूरा ऑन हो गया अभी। चलो ठीक है, एक बार ये चेक कर लेंगे अपना जो अपना लाइन था वो कितना वोल्ट का लाइन है, एक बार चेक कर लेंगे यहाँ नॉर्मली अपने को कंफर्मेशन के लिए। इसको हल्का सा मैं चार्जर पीछे से लगा दिए और यहाँ चेक कर लेंगे इस लाइन का कितना वोल्टेज का लाइन है। यहाँ देखेंगे अपने को जो शॉर्टिंग में था ये वाला कैप, इसके अंदर देखेंगे कितना 1.80 वोल्टेज का लाइन है। ये सारा जो है ये वाला लाइन 1.80, यहाँ भी अपने को 1.80, और ये UFS को जाने वाला लाइन शॉर्टिंग था। यहाँ भी अपने को देखेंगे, यहाँ भी अपने को 1.80 यहाँ था अपना, अभी देखेंगे 1.80। ओके, तो हाँ ठीक है। तो अभी फोन पूरा अपना टोटली ऑन हो गया। टोटली ये फोन अपना ऑन हो गया। अभी अपना जो नवंबर 27 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, बुकिंग कर लेना है तो बुकिंग कर सकते हैं आप, थोड़े ही सीट अवेलेबल है उसके अंदर। दिसंबर 27 में भी अवेलेबल है, उसके अंदर भी अगर बुकिंग कर लेना है तो सीट बुकिंग कर ले सकते हैं आप। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अपना वैल्यूबल कमेंट दो। थैंक यू फ्रेंड्स।